उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर है, जहां पर प्रतापपुर बाईपास पर स्थित मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। रक्तदान शिविर अमर उजाला के सहयोग से प्यारेलाल जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक के साथ किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर राजकुमार चौधरी, MIT संस्थान के वाइस चेयरमैन पुनीत अग्रवाल, नवज्योति वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष मानसी भाटी, सचिव संगीता श्रीवास्तव, पंजाब नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से चीफ मैनेजर सुरेंद्र सिंह, चीफ मैनेजर CSE अनिल कुमार सिंह, CFO स्वाति गुप्ता, मीडिया मैनेजर अजय चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। आज हमारे कॉलेज मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें हम लोगों का टारगेट है कि हम 200 से 300 यूनिट ब्लड डोनेट कर सकें। यहाँ पर हमारे सारे फैकल्टी, बच्चे, मैनेजमेंट सब लोग इसमें इन्वॉल्व है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो भी छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम करेंगे। ब्लड डोनेशन एक बहुत अच्छी किवायत है, जिसमें हर आदमी को तो समय समय पे साल में एक दो बार ब्लड जरूर देना चाहिए। ब्लड देने से आपका ब्लड कम नहीं होता है, उल्टा आपकी जो ब्लड कॉर्पल्स बनने चालू होते हैं वो अच्छा ही रहता है। तो ऐसे में मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि ब्लड डोनेशन में अवश्य पार्टिसिपेट करें। अगर आप स्वस्थ हैं और कोई शारीरिक कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो ब्लड डोनेशन आप करना चाहिए रेगुलरली। और जितना भी आप ब्लड डोनेट करते हैं कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, किसी न किसी के काम में आता है। कोविड के दौरान तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को महसूस हुई हैं ब्लड मिलने में, तो ऐसे में ये ब्लड डोनेशन बहुत से लोगों की जान बचा सकता है। मेरा आप लोगों से सबसे आग्रह है कि रक्तदान जहाँ भी आसपास जहाँ भी हो रहा हो उसमें आप भाग लीजिए। तो ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप लगते रहने चाहिए, क्योंकि जो ब्लड डोनेशन की हमारी जो ब्लड कलेक्शन की जो रेट है अभी वो काफ़ी कम है। ब्लड डोनेशन कैंप्स की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गर्भवती माताओं को जो एनीमिक हैं उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जो एक्सीडेंटल केसेस हैं उनको पड़ती है, और जो मेडिकल में और किडनी के पेशेंट हैं इस तरह के वहाँ एडमिट होते हैं मेडिकल कॉलेज में, प्यारेलाल में, प्राइवेट नर्सिंग होम में, सब जगह ब्लड डोनेशन की ब्लड की ज़रूरत पड़ती है मरीजों को। तो ब्लड डोनेशन कैंप लगते रहना चाहिए, ये अच्छा भ्रम नहीं फैलना चाहिए। जो ब्लड लेगा उसको तो फ़ायदा है ही, उसकी जान बचेगी, लेकिन जो ब्लड देने वाला है उसको अपने अंदर एक महसूस होता है कि उसने कुछ अच्छा काम किया है, उसको वेलबींग की फीलिंग आती है। और दूसरा, उसको खुद उसके सारे टेस्ट हो जाते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, उसके सब VDRL टेस्ट हो जाते हैं इस बहाने। और उसको टेस्ट में कुछ गलती आती है तो उसको बता दिया जाता है, तो इलाज करा सकता है। साल में 2 बार आराम से ब्लड डोनेट किया जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और उसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक और CVA के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रक्तदान शिविर में मीडिया पार्टनर अमर उजाला, नवज्योति वेलफेयर सोसाइटी, जी स्टार प्रोडक्शन हाउस, पंजाब नेशनल बैंक, उन्नत भारत अभियान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक इकाई, रेडियो पार्टनर रेडियो मेरठ 89.6 FM का सहयोग रहा।